नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सामान्य विज्ञान का पार्ट 3। यहाँ पर हम आपसे 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। और अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 1018 कैरेट सोने में शुद्ध सोना, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? तो उसका जो सही आंसर है वो 75%। बेवकूफों का सोना क्या कहलाता है? पाइराइट्स कहलाता है। लोहा, निकल एवं क्रोमियम मिश्र धातु किस चीज की? स्टेनलेस स्टील की। सोल्डर टांका किस चीज का मिश्रण है? सीसा एवं टिन का है। क्वाल्टेज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। प्राकृतिक रबड़ बहुल्य किस चीज का है? आइसोप्रेन का। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट वाला। कांसा मित्र धातु किस चीज की है? तांबे व टिन की। कच्चे फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एथिलीन एवं सिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें निकल धातु मिलाई जाती है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में क्या प्रयोग होता है? फ्लिंट लेंस का, फ्लिंट कांच का यानी कि। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबर। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क क्या है? क्रमशः डोलोमाइट, नाइट्रा तथा ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। प्रोटीन का पाचन कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में? तो इसका सही आंसर दोस्तों पेप्सिन एंजाइम्स की मदद से। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? बोहर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितनी मात्रा होती है? 46% से 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। नाइट्रोजन किस रूप में मौजूद होता है दोस्तों? एमाइड के रूप में होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? जो कि आपकी स्क्रीन पर है, NH2CO NH2। ये इसका रासायनिक सूत्र है। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? उसका सही आंसर दोस्तों मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन है। दूध की शुद्धता कब मापी जाती है? कौन से मीटर से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों? गैमेक्सिन। दूध खट्टा क्यों होता है? जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है दोस्तों? एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है वह एंटीबायोटिक होता है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उसके उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। एंटीबायोटिक नष्ट क्या करते हैं? बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अंडाणु का निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब से। द्रव्यमान में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व क्या है? कार्बन है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किसने विकसित किया जा सकता है? किस चीज से विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए क्या काम आता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सिलिकॉन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? बसा यानी कि फैट के साथ।
संयंत्र की ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर वो है पॉइच। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमानी में किया जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में।